हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम मैगी का ये स्पेशल मसाला वाला फ्लेवर जो होता है ना, ये ट्राई करने वाले हैं। तो जल्दी से बनाते हैं। इसके लिए ना मैंने पहले से ही वेजीज कट करके रखी है। थोड़ी सी शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है। बाद में मैं इसमें थोड़ी सी मटर भी डालने वाली हूँ, फ्रोजन वाली, क्योंकि वेजीज के बिना मुझे सारी चीज़ें अधूरी लगती हैं। आप चाहें तो प्लेन भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सॉस पैन ले लिया, जिससे कि मुझे एकदम स्ट्रीट वाली फीलिंग आती है इसमें बनाने में। और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। पानी डाल दिया इसमें अराउंड एक कप के बराबर। और ये वेजीज डाल दी हैं मैंने सारी। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मैंने वेजीज यूज़ की हैं। आप वेजिटेबल नहीं डालें तो कोशिश करें नमक ना डालें। इसके बाद मैगी डाल दी है। ये जो मैगी का मसाला है ये डाल दिया, तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मतलब कि नॉर्मल मैगी के मसाले से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और एकदम अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होने वाला है। तो गैस का फ्लेम एकदम हाई करके मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पका लिया, जैसे कि स्ट्रीट में पकाते हैं ना, ऐसे हिला हिला के, घुमा घुमा के। इस तरीके से मैंने इसे पका लिया है। और इसके बाद इसमें और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ वेजीज के लिए डाला है। मैगी हमारी कुक हो गई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डालने से थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है हमारे खाने में। बस अब हमें इसे सर्व कर लेना है। और मैं इसे टेस्ट करके बताऊँ तो 10 out of 10 दूंगी। बहुत ही बढ़िया लगी, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसका नेम है मैगी स्पेशल मसाला करके है। एकदम रेड रेड पैकेट दिखेगा ऊपर से। और बस मस्त लगी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर। थैंक यू।